नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है वसई पूर्व के बोईदापाड़ा अंतर्गत राजा वाली वगरालपाड़ा से, जहां वगरालपाड़ा के एक चाली पर आज रात में, बीती रात में एक पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिर पड़ा, जिसको भूस्खलन हम अपनी सामान्य भाषा में बोलते हैं। भूस्खलन की एक बड़ी घटना सामने आई है। इस घटना में 6 लोगों के जख्मी होने की खबर है और घटना की जानकारी मिलने के बाद में वाली पुलिस स्टेशन की जवान और वसई विरार महानगर पालिका अग्निशमन दल के जवान घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह से जारी है। अभी तक सामने आई जानकारी के अनुसार 4 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, वहीं 2 जन अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। एक बड़ी घटना वसई के वगरालपाड़ा से आप तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरें उसी रेस्क्यू ऑपरेशन की है जो वगरालपाड़ा में इसमें जारी है। आपको बता दें कि वसई का वगरालपाड़ा ये वही क्षेत्र है जहां पर अनाधिकृत चालियों का निर्माण सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में हुआ और उसको लेकर पहले आंदोलन तक हो चुके हैं, उसके बावजूद आज भी अनाधिकृत बांधकाम जारी है। और अनाधिकृत बांधकाम करने के लिए यहां पर डोंगरों को, पहाड़ों को काटा जाता है, उसी के चलते पहाड़ों में आई दरार के बाद आज इस तरह की घटना सामने आई है। अब देखना यह है कि प्रशासन क्या इसके बाद में ध्यान देगा, क्या आगे भी इस तरह से और भी बड़े हादसे हो सकते हैं। इस हादसे में घायल हुए लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासन पर वही सवाल है कि क्या इस तरह के हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है, किसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तय कौन करेगा। तो आप देख रहे हैं, एक बार फिर से आपको बता दें, यह घटना वसई के वाली अंतर्गत राजीवली की है, जहां एक घर के ऊपर पहाड़ का हिस्सा टूटकर आज रात में गिर पड़ा। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 2 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। क्या सुनवा दो किचरानी तो किचरानी तो की गाँव लग गया ताड़िया भी हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।